गाइस अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन द वीडियो रॉकी वर्सेस गरुड़ा फ्रॉम द मूवी केजीएफ चैप्टर 2। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल रखने वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। बैंगलोर के उद्योगपति राजेंद्र देसाई की कल रात को किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। उद्योगपति कमल के लापता होने और राजेंद्र देसाई की हत्या के बीच कोई संबंध बताया जा रहा है। जरूर इसके पीछे कोई षड्यंत्र है। जाना मुश्किल है, वहाँ पे करुणा को मारना मुश्किल है। वो केजीएफ कोई कंट्रोल में लेगा ये कभी सोचा भी नहीं था। खिलाड़ी है वो। कैसे कह सकते हो कि वो इस चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पाएगा? मछली को हमेशा लगता है वो केंचुए का शिकार कर रही है। हैमर तो होना ही चाहिए यार।
उसे काटने पर पता चलता है कि वो एक बंसी है। अब बंसी किसके हाथ में है जानते हो ना? बचना नामुमकिन है। क्या कितने कदम रखे, कितने सर कटे केजीएफ बनाने के लिए। अभी तूने एक कदम रखा है, दो चार लोगों को मारकर तुझे ऐसा लगा कि तू ऊपर चढ़ गया। लेकिन इस खेल में सिर्फ सीढ़ी नहीं, सांप भी है, और उसमें एक ऐसा सांप जो अगर कभी डसेगा तो तुम सीधे नीचे गिर जाओगे। जा, छोड़ दिया तुझे, आज मैं तुझे नहीं मारूंगा। तुझे अपने लोगों के पास जाना होगा, उन्होंने बहुत भरोसा किया है तुझ पर। उनको ऐसा देखना होगा तुझे, तेरा खून देखना होगा। उनका भरोसा तोड़ना होगा। ये किसने किया रे? ब्रिज के पास जितने भी गए सबको अधीरा ने मार दिया। क्या देना उनको? कि मैं आ रहा हूं, अपनी तलवार और केजीएफ ले ले। वो जो
जितना कार वाले सीन से वो ना वो एडिटिंग वाइज वो सारी चीजों वाइज मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा एडिटिंग इस मूवी के. मैंने सुना है कि एक बहुत ही नए लड़के को दिया था, इज वेरी यंग आई गेस 18 या कुछ ऐसे इयर्स का, एंड ये उसकी फर्स्ट मूवी एडिटिंग किया उसने. इफ आई एम रॉन्ग मुझे करेक्ट करो, ऐसे मैंने पढ़ा है कहीं पे. तो जिस तरीके से मैं इसलिए मैं और भी ज्यादा तारीफ करूँ कि किस तरीके से एडिटिंग किया. ओके, तो बहुत ज्यादा मूवी हमने देखा है कि थ्रू आउट बहुत ज्यादा डार्क थी, थोड़ा सा लाइट मतलब बिकॉज ये आउटडोर बाइक से लेके या सारी चीजों के लेके वो सारी चीजें हम कह सकते हैं. तो वहां पे हम एक सीन देख रहे हैं, हथौड़ा तो होना ही चाहिए सबसे पहले चीज, उसके बिना ना मुझे यश के फाइट सीन से ना रॉकी एज अ रॉकी मुझे बहुत अधूरे लगते हैं. तो उसके बाद जिस तरीके से वो ऐसे 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 चल रहा था, पता है उसके आगे मतलब उसको लगने के बाद वो सीन किस तरीके से उन्होंने दिमाग में सोचा होगा, किस तरीके से उन्होंने शूट किया, किस तरीके से पोर्ट्रेट किया हमारे सामने. ईच एंड एवरी एक्शन सीन, ईच एंड एवरी एक्शन सीन खतरनाक थे. रॉकी तो भाई स्वैग एटीट्यूड फेस वो क्लोजअप्स वो सारी चीजें खतरनाक. आदिरा ने तो फिर भी दूर से गोली मारी थी जब उन्होंने कॉशन वाले बोर्ड पे वो डेंजर हाइड वाले बोर्ड पे पैर रखा था, तब की बात है ये. बहुत दूर से गोली मारी थी वैसे देखा जाए तो, एंड बहुत स्ट्रैटेजिकली किया कि इसको मैं फिर छोड़ूंगा ताकि इसके लोगों का विश्वास उससे टूट जाए, फिर ये डरे हुए रहे लोग बिकॉज अधीरा जिंदा है ये सुन के ही लोग जिस तरीके से पागल हो चुके थे ना, तो उसको वो डर कायम रखना है एंड ऑल खतरनाक. बट वो कितना प्यार करता है ना रीना से यार, सही में अच्छा है. तो ये तो मेरा रिएक्शन ऑफ द वीडियो रॉकी वर्सेस अधीरा फाइट सीन. वैसे तो फाइट सीन हुआ नहीं दोनों के बीच में, उसने दूर से गोली मारी, बट दिस वाज रॉकी वर्सेस अधीरा. फाइट सीन्स वाज इन बिटवीन उनके वो जो चमचे क्या बोलते उसको उनके बीच में हुआ था. तो ये था मेरा रिएक्शन ऑफ द मूवी केजीएफ चैप्टर 2. आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, गाइस इसे ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज पे मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं. तो प्लीज बाकी फरक मियाले.